कोई टेंशन नहीं सब में सिर्फ एक मेथड यूज करेंगे हम सॉल्व करने के लिए सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू अल लॉट सभी स्टूडेंट्स नीचे अपनी प्रेजेंट जरूर मार्क करें ताकि मुझे पता रहे कि कितने स्टूडेंट्स इस वीडियो का बेनिफिट ले रहे हैं सो so, शुरू करते हैं बस एक पहला हल्का सा समझ लो ये है पासबुक ये कैशबुक बी में सिर्फ दो पार्टीज हैं बी का सिंपल सा फंडा है कि इन जो पासबुक में भी किसको दिखा रहे हैं बैंक बैलेंस को दिखा रहे हैं कैश बुक के बैंक कॉलम में भी किसको दिखा रहे हैं बैंक बैलेंस को दिखा रहे हैं लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से पासबुक में जो बैलेंस आ रहा है कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है वो वेरी कर सकता है डिफर कर सकता है तो हम बी का सोल पर्पजस ये होता है कि हम इन दोनों के बैलेंसेस को रिकनसाइल करें मतलब मैच करें कि ये ऊपर नीचे जो हुआ है उसको मैच करके देखें कि हाँ हमारे दोनों के बैलेंस मैच हो रहे हैं क्योंकि ये एक ही एक ही एसेट को शो कर रहे हैं क्लियर ठीक है तो इसमें कोई हमने रूल नहीं लगाने का है कोई दिमाग वैसे नहीं लगाने का सही गलत मॉडल पॉलिसिंग नहीं करने का सिर्फ दोनों को मिलाने का है करेक्ट ठीक है ये समझ गए एक और चीज समझ जाओ कैश बुक हमारा क्या है एसेट है है ना कैश बुक मतलब हमारी बुक्स के अंदर हम कैश दिखा हमारा बैंक बैलेंस शो कर रहे हैं तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक उसमें अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे मतलब पॉजिटिव मतलब डेबिट और डिक्रीज होगा मतलब लेस करना है तो क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे मतलब नेगेटिव मतलब क्रेडिट सिर्फ ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रही हूँ ये मेरे मेथड में यूज नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट इसीलिए समझा रही हूँ ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो बोला जाए दिस अमाउंट इज डेबिटेड बाय द कैश बुक दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द कैश बुक तो आपको समझ में आएगा डेबिटेड बोला है तो कैश बुक बढ़ी है क्रेडिटेड बोला है तो कैश बुक कम हुई है बस इतना सा सेकेंड पासबुक के बारे में समझो पासबुक है हमारा अकाउंट इन द बैंक बुक्स ठीक है तो बैंक के लिए हम आउटसाइडर हैं हम एक लाइबिलिटी है अगर हम पैसा देते हैं तो तो हमारे बैंक बैलेंस में अगर पैसा बढ़ेगा तो बैंक क्या करेगा हमारे बैंक पासबुक में उसे क्रेडिट करेगा तो पॉजिटिव मतलब क्रेडिट अगर हमारे बैंक बैलेंस से हमने पैसा विदड्रॉ किया है निकाला है या कम किया है तो बैंक हमें क्या करेगा डेबिट करेगा एकदम रिवर्स हो गया समझ गए तो मतलब क्रेडिट मतलब बढ़ा ठीक है बोला गया कि बैंक क्रेडिटेड योर अकाउंट विद दिस बैलेंस मतलब बढ़ा दिया बैंक डेबिटेड दिस अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट तो क्या करना है ये हमने कम कर दिया इसका मतलब पासबुक में कम हो गया समझ गए बढ़ना कम होना समझ गए सिर्फ इतना सा समझना है अब ध्यान से कहानी सुनो ठीक है मज़े से कहानी सुनना एक बार <clears throat> एक मम्मी थी ना मम्मी के दो बच्चे थे ठीक है एक है कैशबुक एक है पासबुक समझ में आया एक मदर के दो बच्चे हैं कैशबुक और पासबुक अब क्या हुआ मदर चाहती है कि उसके दोनों बच्चे हमेशा साथ में रहे ठीक है उनमें कभी झगड़ा ना हो कोई डिफरेंसेस ना आए ठीक है थीके? अब क्या हुआ कई बार उनमें अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं सोचो ये है कैश बुक और ये है पासबुक ध्यान से देखना ये कैश बुक है और ये पासबुक है उनमें डिफरेंसेज आ गए कैशबुक भर गया है ना वो किसी बात पे बिगड़ गया वो किसी बात से दूर हो गया ऐसे करके उनमें डिफरेंसेस ये डिफरेंसेस आ गए ठीक है अब मदर चाहती है कि डिफरेंसेस कवर हो जाए ठीक है लेकिन जो कैश बुक है वो तो मदर का अच्छा बच्चा है प्यारा बच्चा है मम्मी की बात मानता है पासबुक मम्मी की बात मानता नहीं है ठीक है तो जरा सोचो कि मम्मी किसको बोलेगी कि बेटा तू मेरी बात मान ले तू एडजस्ट कर ले किसको बोलेगी जो मम्मी का अच्छा बच्चा है अच्छा बच्चा कौन है कैश बुक तो मम्मी कैश बुक को बोलेगी कि बेटा तू एडजस्ट कर ले तो मम्मी कैश बुक को एडजस्ट करवाने के लिए क्या करेगी कैश बुक को उसके बराबर ले आएगी पासबुक के ताकि दोनों रिकंसाइल हो जाए करेक्ट अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना हमारे पास भी दो पार्टीज हैं कैश बुक है और पासबुक है हर क्वेश्चन में आपको एक इनिशियल बैलेंस दिया हुआ होगा जिससे हमको स्टार्टिंग करनी है है ना जिससे शुरुआत करनी है एक बैलेंस मानो मान लो आपको पासबुक का बैलेंस दिया है वहां से शुरुआत करके हम उसमें चेंजेस करेंगे रिकनसाइल करते हुए कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे ठीक है उसमें चेंजेस करके उसको कैश बुक तक ले आएंगे है ना कोई भी हो सकता है इनिशियल कैश बुक का बैलेंस भी हो सकता है हम पासबुक तक पहुंच रहे हैं समझ गए कोई भी बैलेंस इनिशियल बैलेंस हो सकता है अब मेरी बात सुनना आपके पास दो पार्टीज है एक कैश बुक का एक पासबुक है ठीक है आपको इनिशियल बैलेंस मानो कैश बुक का दिया हुआ है ठीक है और आपको इनके डिफरेंसेस पता चल गए कि ये ज़्यादा है और ये कम है किसी वजह से ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया ऐसा कुछ हुआ हुआ है तो आप क्या करोगे जो इनिशियल बैलेंस आपको दिया गया है वो आपका अच्छा बच्चा है जिसको आप चेंज कर सकते हो जिसको आप बोल सकते हो कि बेटा एडजस्ट कर ले ठीक है और जिस तक पहुंचना है मतलब जिसका इनिशियल बैलेंस नहीं है वो आपका क्या है रिजिट बच्चा है एकदम नालायक एकदम नालायक उसको कुछ भी बोलने का नहीं ठीक है एकदम मतलब नाकारा के उसको बोला मतलब कुएं में डाला तो आपके पास जो इनिशियल बैलेंस है वो अच्छा बच्चा इनिशियल बैलेंस मैंने क्या बोला मानो किसी क्वेश्चन में कैश बुक है कोई भी हो सकता है लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने माना कैश बुक है तो ये मेरा अच्छा बच्चा है बस उसको हम एडजस्ट देंगे समझे एक क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये बात क्या हो रही है सबसे पहले मेरे और भी जो बी आर एस की वीडियोज़ हैं वो सब आप देखना उन बी आर एस की वीडियोज़ को देखोगे तो आपको जो रीज़न्स होते हैं इन दोनों में वेरिएशन आने के वो पता चलेंगे वो रीज़न्स पता चलेंगे तो एग्जैक्ट समझ पाओगे कि किस में बढ़ा किस में कम हुआ ठीक है तो आसानी से ये चीज़ें समझ पाओगे देखो फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखो मॉड्यूल का जो मॉड्यूल का फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसमें ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है क्योंकि इसमें पासबुक दिखाई गई है और कैशबुक का बैंक कॉलम दिख रहा है तो आप देख पा रहे हो जो चीज़ें पासबुक में डेबिट हुई है वो सभी चीज़ें कैशबुक में क्रेडिट हुई है जो चीज़ें पासबुक में क्रेडिट हुई है वो सभी चीजें कैशबुक में डेबिट हुई है ये रिवर्स हुआ है अब आपको बस ये देखना है कि कैसे चेंजेस आइडेंटिफाई करते हैं आगे के क्वेश्चन में तो आपको लिखा हुआ आएगा इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी एंट्री है जो पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है ऐसी कौन सी एंट्री है जो कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है तो उनको आइडेंटिफाई करो और फिर उसको चेंज करेंगे देखो <coughs> पासबुक में देखो आ, ये क्वेश्चन आई केस आप लोग कर सकते हो मैच करना है देखो बाई कैश सबसे पहले सेकेंड में सेकेंड जैन को सिक्सटी थाउजेंड का विड्रॉल हुआ क्या यहाँ पे हमने सिक्सटी थाउजेंड का विड्रॉल लिखा है ये देखते हैं पासबुक का हो गया डेबिट साइड और इसी को चेक करोगे आप क्रेडिट साइड ठीक है सिक्सटी थाउजेंड का बैलेंस आ गया फनी चार लाख का चार लाख का करेक्ट करेक्ट करेक, तो इसमें चार लाख का तो डिपॉजिट है वो आएगा कौन सी साइड में वो डेबिट साइड में आएगा चेक करते जाओ क्या डेबिट साइड में है फर्नीचर का पेमेंट है साठ हजार का क्या है तो जो है उसको टिक मारती जाओ और जो नहीं है उसको स्टार मार्क करो उसे एडजस्ट करना है करेक्ट अब ये ये काम आप इसमें अगर कर लोगे ना उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझाऊंगी ये काम इसमें कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी कैसे आपने एदर्स आइडेंटिफाई कर लिए क्या क्या गड़बड़ है रीजन आइडेंटिफाई कर लिए अब उसको हम करेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ कैसे करेक्ट करना है इलस्ट्रेशन टू ले रही हूँ देखो ध्यान से समझना बहुत आसान तरीके से इतना आसान आपने बी आर एस कभी नहीं पढ़ा होगा बहुत आसान तरीके से बी आर एस यहाँ पे बताने वाली हूँ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है कैश बुक का बैलेंस कितना है कैश बुक का बैलेंस है दो लाख चालीस हजार ठीक है मेरा अच्छा बच्चा कौन हुआ कैश बुक हुआ समझ गए दूसरा हो गया अब ध्यान से समझना ये कैश बुक है ये पासबुक है करेक्ट बराबर थे दोनों रीजन क्या हुआ चेक इश्यूड बट नॉट प्रमाउंट करते हो आपने कैश बुक में एंट्री कर दी और उसे कम कर दिया करेक्ट आपने चेक कर दिया एंट्री मार दी कि बैंडर अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट टू बैंक अकाउंट करेक्ट तो चेक इश्यू करते आपने कैशबुक के बैंक कॉलम में कम कर दिया लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया जिसको चेक दिया था उसने अभी तक बैंक में दिया नहीं तो बैंक वालों ने तो एंट्री नहीं की बैंक वाले ने तो आपका अकाउंट कम नहीं किया तो दिस इज द रीजन फॉर डिफरेंस अब मुझे बताओ क्या करना है बस बराबर लाना है अच्छा बच्चा कौन है कैश बुक अच्छा बच्चा तो कैश बुक को क्या करेंगे बढ़ा देंगे कितने से जितने से कम है कितने से कम है वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड तो सिंपली एड वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड इसको अभी मैं इतना डेप्थ में समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है एक बार प्रैक्टिस होगी तो झट से कर पाओगे देखो चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियोर्ड अमाउंट्स टू नाइनटी थाउजेंड चेक डिपॉजिट किया बैंक में डिपॉजिट किया बैंक में डिपॉजिट किया आपने जैसे ही चेक भेजा बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए आपने एंट्री मार दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट जिसने भी आपको चेक दिया है बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया मतलब बैंक को बढ़ा दिया किसने बढ़ा दिया कैश बुक ने बढ़ा दिया लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता है चेक है ना डिपॉजिट होता है फिर वो क्लियर होता है दूसरे बैंक बैंक से पेमेंट रिसीव नहीं होता है बैंक वालों को तो बैंक वाले पासबुक में एंट्री नहीं मारते तो आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया तो ये जो भी टाइम डिफरेंस आता है इसकी वजह से आपका बैंक जो बैलेंस है कैश बुक में और पासबुक में वही नहीं करेगा कितने रुपए से नब्बे हजार से अच्छा बच्चा कौन है कैश बुक है तो क्या करोगे इसको कम कर दोगे समझ में आया तो क्या हो गया नेगेटिव माइनस नाइन्टी थाउजेंड ये कभी भी आपका मेथड गलत नहीं हो सकता आपको हंड्रेड परसेंट इसमें श्योर अच्छे मार्क्स आएंगे ध्यान से बस समझो एक एक चीज बैंक चार्जेस अमाउंट टू थ्री हंड्रेड ध्यान देना बैंक चार्जेस बैंक डायरेक्टली डिडक्ट कर देती है आपके अकाउंट से फिर आपके पास पासबुक आती है तब आप देखते हो क्या क्या बैंक चार्जेस डिडक्ट हुए फिर आप कैशबुक में एंट्री करते हो तो क्या हुआ कैशबुक पासबुक बैंक चार्जेस अमाउंट टू थ्री थाउजेंड तो बैंक ने क्या कर दिया कम कर दिया तीन सौ है ना आपने कुछ नहीं किया अच्छा बच्चा कौन है कैश बुक क्या करोगे उसको भी बराबर लियाओगे ताकि रिकनसाइल हो जाए तो क्या किया आपने कैश बुक को कम किया कितने तीन सौ से बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया मतलब ऐड कर दिया तो बैंक ने क्या किया बढ़ा दिया कितने बारह सौ पचास रुपये आपने नहीं बढ़ाया अच्छा बच्चा कौन है कैश बुक है तो उसको भी बढ़ा दो कितना बारह सौ पचास अब देखो ये कस कर, करोगे तो आपका आंसर आएगा टू लैख एटी सिक्स थाउजेंड नाइन फिफ्टी समझ आया

चलो हमने पहले कैश बुक लिया था अच्छा बच्चा इस बार पासबुक ले लेती हूँ तो पासबुक का कितना बैलेंस है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड करेक्ट अब कैश बुक तक पहुँचना है तो मैं पहला, दो पहला समझो। She has issued, ये मेरी कैश बुक शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू एटी थाउजेंड आउट ऑफ विच ओनली थर्टी टू थाउजेंड वो प्रेजेंटेड वो पेमेंट अस्सी हजार के चेक इश्यू किए तो आपने क्या किया कैश बुक है पासबुक कैश बुक में अस्सी कम कर दिए. करेक्ट उनमें से बत्तीस हजार प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट तो जो पे, पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए उसमें तो पासबुक ने भी बत्तीस हजार कम कर दिए तो ये डिफरेंस कितना आ गया अस्सी हजार माइनस थर्टी टू थाउजेंड कितना होता है पचास अड़तालीस हजार होते हैं है ना अड़तालीस तो अड़तालीस हजार का डिफरेंस आ गया ध्यान से समझना कैश बुक है पासबुक है कैश बुक ने अस्सी हजार कम कर दिए पासबुक ने सिर्फ बत्तीस हजार कम किए तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया फोर्टी एट थाउजेंड अब हाँ ये तो डिफरेंस आ गया अब यहाँ पे स्टार्टिंग बैलेंस किसका है पासबुक का है अच्छा बच्चा कौन है पासबुक है तो क्या करेंगे ये बढ़ावा है इसको क्या कर देंगे कम कर देंगे ताकि बराबर आ जाए तो ये कितना हो गया फोर्टी एट थाउजेंड लेस कर दूंगी समझ में ओके नेक्स्ट देखो अ चेक शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ फाइव थाउजेंड विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉर गॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक उसे एक चेक मिला है न uh, तो उसने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया चेक में भरा लेकिन अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया ये कैश बुक कैशबुक पासबुक पांच हजार तो बढ़ा दिए लेकिन पासबुक अभी तक बैंक में दिया ही नहीं तो पासबुक में चेंज नहीं हुआ अब अच्छा बच्चा कौन है पासबुक तो क्या करोगे बढ़ा दोगे बराबर ले आओगे कितना रुपए से पांच हजार रुपए एड कर दोगे नेक्स्ट देखना है चेक ऑफ ट्वेंटी टू थाउजेंड डिपोजिटेड बाई हर हैज नॉट बीन क्लियर एट येट जैसे ही चेक डिपॉजिट करोगे कैश बुक है, बुक है चेक डिपॉजिट करते ही कैश बुक से देते क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में कुछ नहीं हुआ अच्छा बच्चा कौन है पास है पासबुक तो बाईस हजार एड कर दोगे आई होप समझ में आ रहा है मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड उसने क्या किया हमारी uh, दूसरी कोई पार्टी है उसने डायरेक्टली बैंक में uh, डिपॉजिट करवा दिए पंद्रह हज़ार सात सौ रुपये मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड इन हर बैंक तो उसने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया पंद्रह हज़ार सात सौ बैंक में भर गया इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड बाई हर इन द कैश बुक एट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया ठीक है डिफरेंस आया? बोक, 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 समझ आया पासबुक कैश बुक पासबुक कैश बुक समझ गए स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक अच्छा बच्चा पासबुक कम कर लेस कर दो कितना कितना तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया पंद्रह सौ का मतलब बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने ऐड किया है कितना पंद्रह सौ का उसमें से दो सौ पचास बैंक चार्जेस कर दिए ठीक है ये बाद में, में लू पहले पंद्रह सौ वाला समझो तो पंद्रह सौ से मैंने बढ़ा दिया कह रहा पासबुक ने बढ़ा दिया कैशबुक ने नहीं किया अच्छा बच्चा पासबुक तो क्या करोगे कम कर दोगे कितना पंद्रह सौ दूसरा उसने क्या किया कम कर दिया ढाई सौ रुपये काट दिया ठीक है कैशबुक ने नहीं किया अच्छा बच्चा पासबुक क्या करोगे बढ़ा दोगे ऐड कर दो कितना टू क्लियर ये सब करोगे इसके बाद बैलेंस आएगा एक समझ में आया चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो ये क्वेश्चन कर सकते हो आगे अभी मैं आपको सारे इलस्ट्रेशन इसके मेरा मन है बी के करवाने का जिसमें आपके इलस्ट्रेशन जिसमें ओवरड्राफ्ट है जिसमें एडजस्टेड कैश बुक है वो सब मैं इसमें करवाने करवाऊंगी आपको तो आप ये समझो कि इसी मेथड से चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है कैसे दिया सभी मेथड में ये क्वेश्चन किया जा सकता है अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ और इलस्ट्रेशन नंबर वन में भी अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ नीचे खूब सारे कमेंट्स भरो खूब सारे कमेंट्स लिखो कि क्या ये मेथड हेल्पफुल है क्या और आपको इलेट्रेशन इसी मेथड से समझने हैं क्या इलेन हो गया या वो सॉल्व करवाओ इलस्ट्रेशन नाइन या टेन या बहुत इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करवाओ तो नेक्स्ट वीडियो में उन इलस्ट्रेशन के साथ लेके आऊंगी आई होप विश यू ऑल द बेस्ट आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करता है कीप वर्किंग हार्ड है बेस्ट स्टे हेल्थी बी हैप्पी